नाज़रीन स्पोर्ट सेंटर की एक और एपिसोड के साथ फराह कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के शो में हम बात करेंगे मोहम्मद हफीज अपने पहले इम्तिहान में नाकाम, श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच में 37 रन से शिकस्त। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी, बरतानिया के हाथों भी शिकस्त। मियां नवाज शरीफ ने दोबारा क्रिकेट के मैदान का रुख कर लिया और पाकिस्तानी पहलवान हुकूमती सरपरस्ती के मुंतजर। नाज़रीन शो का आगाज करते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी से। पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में बरतानिया के खिलाफ भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भरपूर तैयारियों के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंची तो अपने पहले मैच में अर्जेंटाइन के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली, मगर इसके बाद जब कौमी टीम की नाकामियों का आगाज हुआ तो न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया और भारत के बाद अपने आखिरी मैच में बरतानिया के खिलाफ भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी को सामने रखते हुए अब लंदन ओलंपिक्स में कौमी टीम की कारकर्दगी का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर बात करते हैं साबिक ओलंपियन वसीम फिरोज से। वसीम साहब, कौमी हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मायूस कुन खेल पेश किया है, अब लंदन ओलंपिक्स के लिए क्या तवक्कुआत हैं? बस देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस आपने देख ली, ठीक है ना, कि क्या परफॉर्मेंस है। जिस एक्सपेक्टेशन से पाकिस्तान टीम अजलान शाह में गई थी 21वें अजलान शाह कप में, वो परफॉर्मेंस इनकी जो थी कहीं भी मुतमईन नहीं थी। मेरा यही ख्याल है कि मैनेजमेंट और जो फेडरेशन है उन्होंने पास में जो इतनी गलतियाँ की हैं उसका ये नतीजा आप खमियाजा हम भुगत रहे हैं। वो इसलिए कि इतनी तब्दीलियाँ जो हैं वो नहीं आना चाहिए। वो इसलिए कि आप देखें ना, आपने रेहान बट टीम से गए, उसके बाद शकील अब्बासी टीम से गए और तीन लड़के गए और जूनियर लड़के आए, तो ये अगर एक्सपेरिमेंट करना था तो ये बहुत पहले कर लेते एक्सपेरिमेंट। इस एक महीने के अंदर जो है आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंग लड़कों को लेके जा रहे हैं और जाहिर सी बात है फिर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा कि उसमें यही होगा कि टीम जो है वो आपकी बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर गई है और विक्ट्री पे क्या ये 7वें नंबर पे अभी इनका रैंकिंग है अजलान शाह कप में, तो ये क्या यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाएंगे ओलंपिक के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत वसीम फिरोज साहब। नाज़रीन, एशिया कप की फातह पाकिस्तानी टीम को दौरे श्रीलंका में अपने पहले ही मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। ये मैच जहां मोहम्मद हफीज की कयादत का इम्तिहान था, वहीं टीम में शामिल होने वाले नौजवान और कमबैक करने वाले सीनियर खिलाड़ियों की आजमाइश थी, मगर सुहेल तनवीर के अलावा तमाम ही खिलाड़ी ऑफ कलर दिखाई दिए। दौरे श्रीलंका के लिए टीम का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों तर्ज के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी और T20 मैचेस की कयादत के लिए कौरा फाल मोहम्मद हफीज के नाम निकाला। श्रीलंका रवानगी से कबल कौमी टीम के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैचेस में भी हिस्सा लिया और कोच डेविड वॉटमोर टीम की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते नजर आए। ख्याल था कि नौजवान खिलाड़ी नए कप्तान की क़यादत में मुतासर कुन खेल पेश करेंगे, तहम पहले ही मैच का नतीजा कौम की तवक्कात के बरक्स निकला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी नपीतुली बॉलिंग के जरिए श्रीलंकन टीम को 20 ओवर्स में महज 132 रन तक महदूद रखा। तहम बॉलर्स की सारी मेहनत पर बैट्समैनों ने पानी फेर दिया और इब्तदाई तीन खिलाड़ी महज 12 रन पर पवेलियन लौट गए। शोएब मलिक एक बार फिर अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करने में नाकाम रहे और महज 9 रन बना सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 132 रन के ताकुब में महज 95 रन पर आउट हो गई। बॉलिंग के शोबे में सुहेल तनवीर ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया और महज 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि बैटिंग के शोबे में अहमद शहजाद 36 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच के बाद कप्तान मोहम्मद हफीज जहां बॉलर्स की कारकर्दगी से मुतमईन थे, वहीं पिच को बैटिंग के लिए मुश्किल करार देते नजर आए। श्रीलंका
श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर बात करते हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया से। तौकीर ज़िया साहब, बॉलर्स ने तो श्रीलंकन टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया था, आपके ख्याल में बैटिंग लाइन की नाकामी की क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरीके से इनके प्लेयर्स ने शॉट्स खेली हैं, मेरा ख्याल बहुत गैर जिम्मेदाराना थी और उसमें कोई शक नहीं है। और ये जितने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आपके, जैसे अफरीदी वगैरह हो गए, उनकी शॉट्स से मैं तो बिल्कुल मुतमइन नहीं। दूसरा ये है कि उनकी पिच पे अगर आपने मैच देखा हो तो शुरू में उनके काफ़ी स्विंग भी उड़ रहे थे, बॉल ऊँचा भी उठ रहा था, एक आध बॉल नीचा भी रहा। तो नई इन्वायरमेंट है, नया कप्तान है और बहुत सारे लड़के जो हैं वो नए शामिल हुए हुए हैं, तो मेरे ख्याल इनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगले मैच में मेरे ख्याल इससे बहुत बेहतर करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान की टीम आपको मालूम है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब। तौकीर साहब, मोहम्मद हफीज को अपने पहले ही मैच में बहैसियत कप्तान नाकामी का सामना करना पड़ा, आप उनकी कायदाना सलाहियतों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक हफीज का ताल्लुक है, हफीज डेफिनेटली पहले मैच में कप्तानी कर रहा है तो वो अंडर प्रेशर तो होगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी जैसे अफरीदी वगैरह भी शामिल है, शुएब मलिक भी शामिल है, तो उसको थोड़ा प्रेशर तो होगा, लेकिन एक आध मैच के बाद मेरे ख्याल उसको ठीक हो जाना चाहिए अगर प्लेयर्स की उसको सपोर्ट मिले तो। शुक्रिया बहुत बहुत तौकीर ज़िया साहब। जब कौमी असेंबली में डॉक्टर हफीज शेख बजट पेश कर रहे थे तो उसी वक्त प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम पहला टी20 मैच खेलने मैदान में उतरी। पाकिस्तानी अवाम कौन से हफीज की कारकर्दगी से ज़्यादा मुतमईन दिखाई दी, बता रहे हैं बशीर चौधरी। यकम जून 2012 शाम 6 बजे एक ही वक्त में दो मैदान सज गए। कौमी असेंबली के हाल में डॉक्टर हफीज शेख अपोजिशन के जारहाना एहतजाज का मुकाबला कर रहे थे तो कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका में प्रोफेसर हफीज की कप्तानी का अवलीन टी20 मैच खेलने मैदान में उतरी। आगाज दोनों का जारहाना था। ये तारीखी मौका है, कौम को इस पर फख्र होना चाहिए। दुनिया देख सकती है कि जमहूरियत पाकिस्तान में मजबूत हो रही है। Right back to the beginning. That was Mahela hitting it up in the air, trying to work it on the onside, and the catch comfortably taken. Awam ke liye faisla karna mushkil ho gaya ke wo kise dekhe. Kisi ne budget dekha to kisi ne match. Kisi ne samajhdari ka saboot dete hue dono dekh liye. To kuch aise bhi the jinhe dono se hi sarokar nahi. Ya phir wahi purana masla load shedding. Budget na match dekha na budget dekha. Budget bhi dekha aur match bhi dekha. मैच देखा, बजट भी देखा, मगर बजट में बस क्या है, गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है, बस बिजली नहीं होती उस टाइम तो क्या देखते। पहला मैच खत्म हुआ, माफ कीजिएगा, कौमी असेंबली के इजलास का खात्मा हुआ तो आवाम की इंतखाबी बजट से तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। नतीजा श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही रहा। प्रोफेसर हफीज भी डॉक्टर हफीज की तरह पहली ही गेंद पर आवाम को मायूस कर गए और साथियों ने भी उनका साथ दिया। मोहम्मद हफीज साहब ने हाथ में कैच देके घर चले गए, दूसरा है वो भी कैच दे घर चले गए, बाद में आपको पता फिर लाइन लग जाती है ना, और ये जो पहले फीस साहब है उन्होंने तो खीर कर दी ना। तो बजट से हमें क्या दिलचस्पी है, वही लफ्सों का गोरख धंधा होता है सारा, तो महंगाई हर साल बाद दुगनी हो जाती है सारा कुछ। नतीजा अगरचे दोनों का मायूस कुन ही रहा, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि एक तरफ लातों गोंसों और मुक्कों की बारिश थी तो दूसरी तरफ सिर्फ विकटें गिरने का सिलसिला ही जारी रहा। बशीर चौधरी, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। वफाकी बजट और टी20 मैच से अवाम की क्या तवक्कुआत थी, उनका रिएक्शन भी आपने जाना। स्पोर्ट्स सेंट्रल में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, आप रहिएगा हमारे साथ।